रक्षाबंधन के लिए छोटी काशी मंडी के बाजार सज गए हैं। वहीं हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ने सरहद में देश की रक्षा कर रहे जवानों को विशेष तौर पर राखियां बनाकर भेजी हैं। सरहद में देश की रक्षा करने वाले भाई इस त्योहार के लिए अपनी बहनों के पास नहीं जा पाते हैं। ऐसे में एसोसिएशन की महिलाओं ने एकत्रित होकर विशेष तौर पर राखियां तैयार की और सरहद में तैनात जवानों को भिजवाई है। रक्षाबंधन के लिए छोटी काशी मंडी के बाजार सज गए हैं। वहीं हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ने सरहद में देश की रक्षा कर रहे जवानों को विशेष तौर पर राखियां बनाकर भेजी हैं। सरहद में देश की रक्षा करने वाले भाई इस त्यौहार के लिए अपनी बहनों के पास नहीं जा पाते हैं। ऐसे में एसोसिएशन की महिलाओं ने एकत्रित होकर विशेष तौर पर राखियां तैयार की और सरहद में तैनात जवानों को भिजवाए। इन दिनों बाजार में रक्षाबंधन की धूम मची हुई है। भाई व बहनों के इस त्योहार के लिए दुकानों में कई तरह की छूट भी दी जा रही है, जबकि बच्चों के लिए आकर्षक राखियां बाजार में उपलब्ध हैं। डोरेमोन, डोरेमोन स्पाइडरमैन, छोटे भीम कार्टून की राखियां बाजार में विशेष तौर पर उपलब्ध हैं। भाइयों व बहनों के इस त्योहार के लिए मंडी के बाजारों में रौनक आ गई है। भाइयों के लिए रेशम की डोर खरीदने के लिए इन दिनों बाजार में बहनें खूब खरीदारी कर रही हैं। आकर्षक छूट के बीच इन दिनों कारोबार में भी तेजी आंकी आ रही है। रक्षाबंधन के लिए मंडी में विशेष तौर पर शहरी मंच पर दुकानें सजाई गई हैं। हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष आशा ने बताया कि सरहदों में देश की रक्षा कर रहे भारतीय सेना के जवानों के लिए विशेष तौर पर राखियां बनाई हैं, जिन्हें आर्मी के माध्यम से ही भिजवाया गया है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करने वाले जवानों के लिए एसोसिएशन की बहनें हमेशा तत्पर रहती हैं और हर बार रक्षाबंधन पर राखियां भिजवाती हैं, ताकि उनके कलाइयां सुनी ना रहें। मैं हिमाचल डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष आशा ठाकुर इस वर्ष भी रक्षाबंधन जो हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमने सरहदों पर तैनात अपने फौजी भाइयों के लिए तिरंगे कलर की राखियां, लगभग 3,000 राखियां भेजी हैं, जो कि उन तक जो है समय रहते पहुंच सके। इन राखियों को हमने आर्मी के थ्रू चैनल ही भेजा है, ताकि उन फौजी भाइयों तक ये राखी जो है पहुंच सके। पिछले साल जो है हम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में स्वयं वहाँ पे गए थे। LOC पे हमने फौजी भाइयों को अपने हाथों से राखियां बांधी थी। इस वर्ष भी हमारा जाने का प्रोग्राम था, मगर JNK के हालात को देखते हुए हमें परमिशन नहीं मिला और जो भी हमने राखियां उनको बनाई थी वो हमने आर्मी के थ्रू चैनल ट्रांजिट कैंप के माध्यम से कर्नल NK शर्मा जी के नेतृत्व में हमने उन्हें भेज दिया है। और कर्नल NK शर्मा जी ने हमें विश्वास दिलाया कि ये राखियां जो है समय रहते वहां तक पहुंचा दी जाएंगी, ताकि उनके खिलाड़ियों में सुसज्जित हो सकें। थैंक यू। वहीं दुकानदार SR राजू ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर्व स्वतंत्रता दिवस अवसर है, जो कि ऐतिहासिक होगा। बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधेंगी। मंडी शहर से SR राजू। बड़ी खुशी की बात है कि 2019 का जो रक्षाबंधन है वो ऐतिहासिक होगा इतिहास में, क्योंकि 15 अगस्त को जो है कश्मीर में हमारा भारत वर्ष का झंडा लहरा जाएगा और सभी बहनें अपने भाइयों के लिए जो राखी बांधेगी, जो इस वक्त सेना जो सरहद पर तैनात हैं, तो बहुत ही खुशी का ये जो है वर्ष है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम जो है रक्षाबंधन का जो त्यौहार मना रहे हैं और बहनें अपने भाइयों के लिए जो है रक्षा सूत्र अपनी रक्षा के लिए जो है वो भेजेगी। और यहाँ हम नई नई राखियाँ लाए हैं, जो कोई बच्चों के लिए और अपने बहनें जो है वो अपने भाइयों के लिए नए नए किस्म की राखियाँ जो है इस बार आई है। और ये बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे भारतवर्ष में इस बार जो है एक जश्न जो होगा वो एक अनोखा होगा, क्योंकि 370 और 35 हटने के बाद जो है आज जम्मू कश्मीर के भाई बहन भी आपस में रक्षा सूत्र बड़े खुले आज़ादी के साथ उसको बांध सकते हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ रक्षाबंधन की, पूरे भारतवर्ष के लिए ही नहीं, विदेशों में जितने भी हमारे भाई बहन जितने रहते हैं इंडिया के, उनको सबको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद।